केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणदीप सुरजेवाला के बीच हरियाणा में सड़कों को लेकर बहस छिड़ गई है। करनाल में कृष्ण पाल गुर्जर ने दावा किया था कि राज्य में नई सड़क परियोजनाओं को शुरू किया गया है। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर के इन दावों को खारिज किया कि राज्य के लिए नई केंद्र सरकार ने नई सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। उन्होंने राज्य टोल दरों के बारे में केंद्रीय मंत्री के बयान पर भी आपत्ति जताई। सुरजेवाला ने कहा कि यूपीए सरकार ये परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत कर चुकी है और उन पर काम चल रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि यूपीए सरकार के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पंचकुला यमुनानगर NH 73 के लिए बोलियां पहले ही आमंत्रित की जा चुकी थी, जिन्हें 27 जून 2014 को खोला जाना है। पहले भी पंचकुला से यमुनानगर तक की इस रोड को 4 लेन बनाने के लिए कंसेशनर नियुक्त किया गया था। उन्होंने कहा श्री सुरजेवाला ने इस बात का भी जोरदार खंडन किया कि नई सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 65 के अम्बाला कैथल मार्ग को 4 लेन का बनाने की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि ये सड़क 1 साल से भी पहले स्वीकृत की जा चुकी है। सुरजेवाला ने केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर के राज्य टोल दरों के दावों को भी गलत बताया। सुरजेवाला ने साफ किया कि राज्य टोल नीति के तहत सभी कारें, जीप, दोपहिया वाहन, ट्रैक्टर को कोई टोल अदा नहीं करना पड़ता और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टोल के अलावा उन्हें पूरी छूट है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर आरोप प्रत्यारोप लगाने और श्रेय लेने का दावा करने के बजाय राज्य के अधूरे और लटके हुए मामलों पर तेजी से काम करें। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हमें मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि हरियाणा उनका भी गृह राज्य है। अब देखना होगा कि राज्य में हुए काम का श्रेय लेने की ये लड़ाई कहाँ तक जाती है। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।